हमारे देश में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान बन गए हैं, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा का। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तवर। दिल्ली नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई कर रही है और नगर निगम की इस कार्रवाई को लेकर अलग तरह की पॉलिटिक्स भी हो रही है। बुलडोजर की कार्रवाई पर इस वक्त दिल्ली में कई इलाकों में बवाल मचा हुआ है, लेकिन 9 मई की अगर बात करें तो नगर निगम जो है वो बुलडोजर के साथ पहुंचता है शाहीन बाग और शाहीन बाग में एक भारी तादाद में भीड़ नजर आती है बुलडोजर के सामने और बुलडोजर नहीं चल पाता। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर कई पार्टियों के नेता भी पहुंचते हैं बुलडोजर के विरोध में, जिसमें आम आदमी पार्टी की ओर से अमानतुल्ला खान, साथ ही पार्षद और कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता वहां पहुंचे और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई जो थी वो नहीं हो पाई, बुलडोजर नहीं चल पाया और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है। खुद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने चिट्ठी लिखी है अमानतुल्ला खान और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ। इसके साथ ही एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान ने भी एक चिट्ठी लिखी है जिसमें एफआईआर कराने की मांग की गई है और ये चिट्ठी जो है वो अमानतुल्ला खान और पार्षद के खिलाफ लिखी गई है। लेकिन अब बात उस बयान की जो मैंने शुरुआत में कहा कि दिल्ली और देश में कई छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान बन रहे हैं, ये बयान दिया कपिल मिश्रा ने और क्यों दिया वो आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। आज शाहीन बाग में बुलडोजर गया और वापस आ गया, लोग उसके आगे लेट गए, कुछ लोग बुलडोजर पे चढ़ गए, पुलिस बुलडोजर इस सब की नो एंट्री शाहीन बाग में। यही नगर निगम और दिल्ली पुलिस दिल्ली के गांधी नगर में, अमर कॉलोनी में, विश्वास नगर में, विजय नगर में कार्रवाई करती है, कानून लागू होता है, लोगों के विरोध के बावजूद भी होता है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हो गए हैं जैसे कि शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, यहां पर भारत के कानून की, भारत के संविधान की, भारत की पुलिस की, नगर निगम की, इनकी नो एंट्री है, यहां कोई संविधान लागू नहीं होता भारत का। क्या कहा जाए ऐसी जगहों को जहां पर ना भारत की पुलिस जा सकती है, ना भारत का संविधान लागू होता है, ना कानून लागू होता है, अवैध हथियारों, अवैध धंधों और अवैध घुसपैठियों के अड्डे बन चुके हैं ये शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, सीमापुरी। और मैं तो कहता हूं कि जब भारत का कानून संविधान लागू ही नहीं होने दे रहे हैं तो इन जगहों को क्या कहा जाएगा। ये तो छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान जगह जगह बनते जा रहे हैं दिल्ली में और देश में भी कई जगह पर। तो कपिल मिश्रा का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि शाहीन बाग में ना संविधान चलता है, ना कानून की एंट्री है, वहां ना बुलडोजर जा सकता है, लेकिन अगर इसी तरह की कार्रवाई जो है वो गांधीनगर में हो या फिर अमर कॉलोनी में हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि दिल्ली के कई इलाके, चाहे जहांगीरपुरी की बात करें, शाहीन बाग की बात करें, वो अब मिनी पाकिस्तान बनते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।